हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि सूखी अरबी की सरबी अरबी हम किस तरीके से बनाते हैं, जिसके लिए लिया हमने ये उबली हुई भी अरबी है और इसको हम इस तरीके से अपनी हथेलियों में दबा देंगे तो ये थोड़ी सी इस तरीके से खुल जाएगी। और इसी तरीके से हमें सब कर लेनी है और फिर इसमें हम डालेंगे हींग, क्योंकि हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो इसमें हम पहले हींग मिला देते हैं, फिर उसके बाद में इनको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद में इनको फिर हम फ्राई करेंगे। और इसके साथ लिए हमने दो प्याज और हरी मिर्चें लेंगे बस, और हमें कुछ नहीं डाला। हम लोग इसमें टमाटर नहीं डालते, हम लोग इसमें नींबू या आमचूर डालते हैं। तो इनको हम प्रेस कर लेते हैं और फिर इनको फ्राई करते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने इन्हें प्रेस कर लिया, अब इनको हम फ्राई करेंगे। देखिए, एक एक दबाते जाएंगे अरबी को और इस तरीके से फ्राई करते जाएंगे। और यकीन मानिए, इस तरीके से बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो इन्हें हम इस तरीके से एक एक तरफ से पहले सेकते जाएंगे अच्छा तक गोल्डन कलर आने तक। ये देखिए, ये एक तरफ से हमारी अरबी सिक चुकी है। अब इसे हम पलटेंगे, दूसरी तरफ से भी सेकेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से कलर हमें चाहिए, गोल्डन होना चाहिए और बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये बिल्कुल बनिए वाला स्टाइल है, बनिए बनाते हैं दिल्ली के जितने बनिए हैं वो लोग इस तरीके से अरबी बनाते हैं। फर्क सिर्फ ये रहता है कि वो लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करते हैं। देखिए, ये अरबी हमारी बहुत अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, दूसरा बैच भी हम इसी में फ्राई कर लेंगे। और ये बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पे करना है, ज़्यादा तेज गैस पे नहीं करनी, नहीं तो ये जल जाएंगी। क्योंकि हल्का सा हमें कलर गोल्डन ब्राउन सा चाहिए। ये देखिए, ये हमने अरबी फ्राई कर लिया है। इसमें हम आधा चम्मच डाल देंगे अजवाइन का और उसके बाद में इसको अच्छे तरीके से फ्लेवर होने देंगे, अच्छे तरीके से पकने देंगे अजवाइन को। और फिर इसमें हम डाल देंगे ये प्याज कटी हुई और इसे भी अच्छे तरीके से फ्राई होने देंगे। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा, फिर उसके बाद में हम इसमें और सामान मिलाएंगे। देखिए, प्याज हल्के पिंक कलर के हो गए हैं। इसी स्टेज पर डाल देंगे हम दो हरी मिर्चें इस तरीके से स्प्लिट करी हुई। ये बहुत अच्छी लगती हैं इस तरीके से, सूखी अरबी हो या सूखे आलू हो उनमें खाने में। और आशा करते हैं आपको हमारी रेसिपी पसंद आती होगी। पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस आपको पता लगे। और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो इसे हम अच्छे तरीके से और पका लेते हैं 1 से 2 मिनट। देखिए, प्याज हमारे बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा ही चम्मच डालनी है हमें लाल मिर्ची का, और 1/4 डालेंगे हम गरम मसाला और 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे हम धनिया पाउडर का। देखिए, इस तरीके से इसे हम भून लेंगे सूखे मसालों को। और 1 से 2 टेबलस्पून डाल देंगे इसमें पानी, देखिए, ताकि ये मसाले हमारे जले ना और बहुत अच्छी तरीके से ये भून भी जाए। और 1 से 2 मिनट इन्हें पकने देते हैं। जब तक हम इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट, आप चाहें तो यहाँ अदरक लहसुन भी डाल सकते हैं। हम गर्मियों में नहीं खाते इसलिए हम नहीं डाल रहे, आप खाते हो तो डाल लीजिएगा। और ये देखिए, ये बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है मसाला, और इसे भुनने देते हैं। ये देखिए, मसाला कितना अच्छा भुन गया है। इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून बेसन,
और इसे भी अच्छे तरीके से हम भून लेंगे मसाले के साथ में। ये देखिए, और ये गाढ़ा भी हो जाएगा और इसे हम भून लेते हैं पहले 1 से 2 मिनट तक। ये देखिए किस तरीके से हमारा मसाला एकदम भून चुका है और ये बहुत अच्छा बाइंड हो रहा है। और अभी इस स्टेज पे डाल देंगे हम अरबी और इन्हें भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे इसी में। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगी इसके सारी। ये देखिए अरबी हमारी कितनी अच्छी तरीके से बाइंड हो गई है। इसी स्टेज पे मिला देंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैं 1/2 चम्मच से 1/4 चम्मच मिला रही हूँ क्योंकि सूखी सब्जी है, नमक थोड़ा कम ही डालना चाहिए। और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। ये देखिए 1 से 2 मिनट लगेंगे इसको इस तरीके से भूनने में। तो इसे हम मिला लेते हैं फिर दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए अब इसमें हम डाल देंगे ये सूखा हरा धनिया और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये सारा प्रोसेस रहेगा हमारा लो टू मीडियम गैस पे। तो ये हमारी सब्जी बनके हो गई है तैयार। अभी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। ये देखिए अब ये सब्जी हो गई हमारी तैयार और इसमें हम डाल देंगे ये 1 नींबू का रस। और ये बंद करके हम डाल रहे हैं ताकि हमारे नींबू का रस कड़वा ना हो। और ये तैयार हो गई हमारी सब्जी। ये देखिए ये हम अरबी की सब्जी के साथ में है, पहले तो अरबी की सब्जी सर्व कर लेते हैं। और ये इसके साथ में हमने बनाए हैं ट्रायंगल वाले पराठे जो कि खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये हम 2 सर्व कर देंगे, ये कॉटन के कपड़े में हम सर्व करेंगे। तो इस तरीके से हम इन्हें सर्व कर देंगे और ये बिल्कुल भी ठंडे नहीं पड़ेंगे ना तो सूखेंगे, कॉटन के कपड़े का ये फायदा होता है। और इसके साथ में हमने सर्व की है ये करौंदे प्याज और टमाटर की चटनी। तो ये है आज का हमारा लंच। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आती है तो। ये देखिए ये हमारा लंच बॉक्स हो गया रेडी। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं और एक अच्छी सी वीडियो और रेसिपी के साथ में। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को हमारा नमस्कार।